आपसे ही बहुत अच्छी होंगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप गली विद एंजल किम। और मैं हूँ आप लोगों के साथ में एंजल किम, और आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ मेकअप लुक, जो कि होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल और इजी वे में, जिसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब कि बहुत ही इजी तरीके से आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि हैं सबकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी मैं। बाकी का मैंने यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाके डायरेक्ट चेकआउट कर लेना। बाकी का मैंने कफ एंड लेसेस से बहुत सारे प्रोडक्ट लिए थे, जिनका आज मैंने यहाँ पर उनका यूज़ किया है इस मेकअप लुक के अंदर। तो काफ़ी अच्छी अच्छी अफोर्डेबल चीज़ें थी, और काफ़ी अच्छा जो भी रिजल्ट रहेगा वो जस्ट आपकी आइज़ के सामने रहेगा कि ये जो मैंने जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनका वर्क कैसा है कैसा नहीं है। बाकी का जो ये लुक है काफ़ी डिसेंट सा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, आपकी सामने से आपको देखकर किसी की भी नज़र नहीं हटने वाली है। इस तरीके से ये मेकअप लुक होगा, बिल्कुल ऐसा जस्ट कि जैसे आप पार्लर से ही सज के आए हो। यहाँ पर जो भी अपना यहाँ मेकअप किया है बहुत ही सिंपल टाइप से, और थोड़ा डिसेंट लुक भी रखा है, मतलब कि आइस का लुक जो है मैंने बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया है। जो मैंने यहाँ पर ज्वेलरी वियर की है वो मैंने लोकल मार्केट से ली थी, मतलब 99 की शॉप से ली थी, GT से। तो बाकी का आपके पास में जो भी ज्वेलरी हो आप वियर कर सकते हो। बाकी का मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी है, बनारसी साड़ी, आप चाहो तो सूट भी पहन सकते हो, साड़ी भी पहन सकते हो, ड्रेस आपके अकॉर्डिंग रहेगी, ज्वेलरी आपके अकॉर्डिंग रहेगी, सिर्फ मेकअप जो है आप को पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। बाकी का आप अपनी तरीके से भी थोड़ा सा इसको क्रिएट कर सकते हैं, अपने तरीके से जोड़ तोड़ मरोड़ सकते हैं उसको, जैसा आप चाहते हो इस मेकअप लुक के अंदर। तो काफ़ी अच्छा और इजी सा मेकअप लुक है। और बाकी का अब वीडियो की तरफ बढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर जरूर चेक कर लेना। और मैं कफ एंड लेसेस का जो ऐप है उसका भी लिंक मेंशन कर दूंगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो वहाँ से जाके। बाकी का आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, और अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट एंड चले। हेलो, तो गाइज मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्किन को प्रेप कर लूँगी, और इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये ग्रीन टी का गुड वाइब्स का ग्लो टोनर, और ये बहुत अच्छा टोनर है और बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है इस टोनर से, और बहुत ही हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टैप टैप करके इसको फेस पे थोड़ा सा ऑब्जर्व हो जाएगा ये। उसके बाद में नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ की नाइट क्रीम, और बहुत अच्छी क्रीम है गाइस, डेफिनेटली आपको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, और बहुत ही मॉइस्चराइज करती है हमारे फेस को। और डेफिनेटली मामर्थ के प्रोडक्ट के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो इनका जो प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकिल करते हैं, और पेरेंट्स की कंपनी है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ये बहुत ही तौर तरीके से उन्होंने ये क्रीम बनाई है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये रोज़ हिप की ग्लो सीरम, जिसके मेरे हाइड्रेट हो जाएगा मेरा थोड़ा सा फेस, और मैं इसको अच्छी तरीके से फेस पे अप्लाई कर लूँगी, और अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर, और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, और ये परफेक्ट मेकअप बेस के लिए है, और ये ऑयल फ्री है और नॉन ग्रेसी है, मतलब इसमें कोई चिपचिपा ऐसा नहीं है। और आप इसे पैकेजिंग देख सकते हो, कितनी क्यूट पैकेजिंग के साथ में ये आता है। ओके, तो मैं इसको ओपन करके थोड़ा सा फिंगर से ले लूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से, और अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी, अपने टी जोन एरिया पे, चीक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, जहाँ जहाँ पर हमको थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हमारे ओपन पोर्स की दिक्कत रह सकती है, वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। और आप देख सकते हो कितना अच्छा प्राइमर है, काफ़ी अच्छा फ्लॉलेस स्किन इसमें दिख रही है। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का फाउंडेशन, जिसका शेड नंबर है 128, और ये काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी स्किन में बहुत धीरे धीरे ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की ब्यूटी ब्लेंडर, और ये बहुत अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर, एकदम मक्खन की तरह ये काम करती है,
और मुझे बहुत पसंद आई ये ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से डैप डैप करके इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई किया है और अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लिया अपनी स्किन में, और आप देख सकते हो कितना सही लुक आया है एकदम। और बहुत अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर है यार, मेरे को बहुत पसंद आई ये ब्यूटी ब्लेंडर, डेफिनेटली आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मैंने कफ एंड लेसेस से परचेज की है, ओनली 125 रुपीज़ की है ये। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये यूरो गर्ल का कंसीलर, जिसका सेड नंबर है कैरेमल, और बहुत अच्छा है ये भी मैंने कफ एंड लेसेस से परचेज किया है। और डेफिनेटली आप देखना जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो कितना आपको दिखेगा मेरे फेस के ऊपर अंतर। तो मैंने यहाँ पर अपनी ये अंडर आइज में और अपने ओके तो मैंने यहाँ पर ये अंडर आइज में, नोज़ में और लिप्स वाले एरिया में, जहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो उस जगह पे मैंने इसको लगा लिया है। तो मैं अच्छी तरीके से इसको जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंसीलर की मुझे ज़रूरत है, वहाँ मैं कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और आप देख सकते हो कितना सही कलर है ये, और यहाँ पर जो भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ब्लैकनेस डार्कनेस आ रही है, वो सब छुप गए हैं। आप देख सकते हो बहुत अच्छा कंसीलर है ये यूरोप गर्ल पेरिस का। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट मैंने अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज किया, जिसके लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है ये बादी का स्ट्रॉबेरी लिप बाम, और ये बहुत अच्छा लिप बाम है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एडीएस का बनाना पाउडर, और जहाँ जहाँ से क्रीज होने का ज़्यादा दिक्कत रहती है आईज से, वहाँ 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 पे मैं ये पाउडर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से अंडर आईज में अप्लाई कर लूँगी। और ये जो मेरे पास में आज ब्रशेज जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है नेक्ड 3 की, और डेफिनेटली आप इनको मेरी कई वीडियोस में देख चुके होंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर मैं सेलो टेप की हेल्प से अपनी आईज के जो पास में एक लुक क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए यहाँ पर ये सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने दोनों साइड पे मैं इसको लगा लूँगी, जिससे कि क्या है कि जो भी आई शैडो का फॉल आउट होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, और एक मुझे बेस मिल जाएगा अपनी आईज में, एक अच्छा लुक मिल जाएगा क्लियर फिनिशिंग का। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से इनको सेट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आई शैडो के लिए SFR की न्यू आरिस्टिक पैलेट, और ऑब्वियसली आप इसको मेरी कई वीडियोज़ में देख चुके होंगे, अब तक मैंने यही डेफिनेटली यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर पिक किया है ये रेड कलर, और ये थोड़ा सा लाइट रेड कलर में है, तो मैंने पहले यहाँ पर ये रेड कलर पिक किया है, और इसको मैं अपनी क्रीज पर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी और अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग जितना प्रोसेस अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा मेरे को लुक मिलेगा। तो मैंने ये इस आई शैडो ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छी तरीके से इसको क्रीज में अप्लाई कर लिया है। और इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट थोड़ा सा कलर जो लेने वाली हूँ, इसका रेड का थोड़ा सा डार्क कलर है, जिसको मैं अपने ये आउटर विंग से होते हुए पूरी क्रीज में अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि मुझे हल्का सा आगे से लाइट और पीछे से थोड़ा सा डार्क कलर मिल जाए, जिससे कि मैं अपने बाकी का जो आइज का लुक है अच्छे से क्रिएट कर पाऊँ। तो मैंने इसी तरीके से आउटर विंग से पूरा अपना डार्क कर लिया है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा लुक एकदम एकदम फिनिशिंग वाला मिल जाए। तो मैं इनको अच्छी तरीके से इसको क्रीज में अप्लाई कर लूँगी अभी धीरे धीरे करके, जिससे एक मुझे बेस मिल जाए। ओके, तो इस पैलेट में कोई भी गोल्डन कलर नहीं था, और मेरी साड़ी में गोल्डन कलर है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की HD प्रोफेशनल आई शेडो किट, ये 40 कलर की आई शेडो किट है। तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और आपको मैंने दिखा दिया इसमें कितने सारे कलर्स हैं। तो मैं इसमें से यहाँ पर पिक करूँगी ये गोल्डन कलर, और आप देख सकते हो क्योंकि ये मेरे बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ब्लाउज में मैच हो गया था जो बूटीज आ रही हैं ये गोल्डन कलर की। उसके बाद में मैं इसको अपनी क्रीज में अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी इस गोल्डन कलर को, और आप देख सकते हो पहले ही स्वीप में कितना अच्छा लुक आया है इसका। ओके, तो मैं अपनी सेकंड आई में भी इसको अप्लाई कर लूँगी।
और मैंने ये पूरी अपनी आईलिड में लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, और ये सेम्पियन कलर में है, और इसको मैं अच्छी तरीके से अपनी आईलिड पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी पूरी पे, जिससे कि मुझे जो मेरा गोल्डन कलर जो इसमें दिख रहा है वो मुझे थोड़ा सा इसमें दिख जाए। और जो ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर में आई शेडो था सैम्पियन कलर में, ये बहुत अच्छा था, और मैंने इसी तरीके से थोड़ा सा क्री थोड़ी सी आईलिड पे लगा के पूरे क्रीज पर इसको मिक्स कर लिया है, हल्का सा आगे से लाइट लाइट ये सैम्पियन कलर को देते हुए। और आप देख सकते हो कितना सही लुक आया है निकल के। तो इस तरीके से मैंने अपनी इस आई लुक को क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट में थोड़ा सा अपनी जो लोअर लैश लाइन है यहाँ पर भी अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा मिक्स एंड मर्ज हो जाए मेरी आईज को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये रेड कलर देख सकते हो आप इसको लगा रही हूँ, और मैंने अपने यहाँ पे जो टेप लगाई थी सेलो टेप उसको निकाल लिया है, और यहाँ पे देख सकते हो कितना क्लीन फिनिशिंग आई है बैक से। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो एडीएस का बनाना पाउडर लगाया था अपनी आई अपनी अंडर आइज के पास में, उसको मैंने अच्छी तरीके से एक बड़ी ब्रश से क्लीन कर लिया है। उसके बाद में गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ ये सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है पूरे मेकअप के अंदर, ये है सिवाना की आई मेकअप पेंसिल, और ये टू आई मेकअप पेंसिल है इसके अंदर, ट्वाइस है मतलब। तो पहली एक साइड पे है आईलाइनर एंड सेकंड पे है आईब्रो के लिए, और ये शेपिंग के लिए बहुत अच्छी है, और ये अभी न्यू लॉन्च हुई है। ये कप है लेसेस पे आपको मिलेगी, और इसका जो इसकी जो पॉइंट है आईलाइनर का बहुत शानदार है, और इतना ज़्यादा क्रीमी फॉर्मूला है और बहुत सही है। आपको डेफिनेटली इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड अभी मैं अपनी इससे ब्राउज बनाने वाली हूँ, और देखो मैं इससे आईलाइनर लगा चुकी हूँ, और आप देख सकते हो कितना क्लियर फिनिशिंग आई है, कितनी शाइनिंग आई है इस आई पेंसिल से, तो आप देख सकते हो। उसके बाद में मैंने अपनी आईब्रोज को सेट कर लिया है, और उसके बाद में मैं इसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको सेट कर लूँगी आईब्रोज को, और काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स एंड मर्ज हो जाएगा ये। और आप देख सकते हो कितना, एक आईज ये देखो और सेकंड आई वो देख रहे हो आईब्रो की, तो मैं यहाँ सेकंड को भी इसी तरीके से लगा तैयार कर लूँगी अपनी आईब्रो को। ओके, तो आप मतलब कितना अच्छा प्रोडक्ट है ना, बहुत ही बर्थी प्रोडक्ट है और इतना महंगा भी नहीं है। उसके बाद में थोड़ा सा आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये कंसीलर यूरोप गर्ल का, और इससे मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दे दूँगी अपनी आईब्रोज के अंदर, और यहाँ पर मैं कंसीलर को अच्छी तरीके से अप्लाई करके आईब्रोज में क्लियर फिनिशिंग के लिए उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि मेरी जो आईब्रोज हैं ये सेट हो जाएं, बहुत ही सही लुक मिल जाएगा फिर मुझे। क्योंकि आईब्रोज क्योंकि मेन कोई भी मेकअप होता है ना, तो उसमें आई का मेकअप बहुत मेन होता है, और जो हमारी और वो भी नाइट के लिए मेकअप के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। बाकी का आप देख सकते हो कंसीलर को मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है, और काफ़ी सही आईब्रोज मुझे अपनी इस लुक के अंदर मिल गई हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट दिखा रही हूँ नेक्स्ट, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर लूँगी, और अपनी जो ऊपर ऊपर की आईब्रोज की जो शेप है वहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड पे शेप दे दूँगी, जिससे कि एक क्लियर फिनिशिंग मिल जाएगी मुझे। उसके बाद में मैं ये फ्लैट ब्रश से उसके बाद में फ्लैट ब्रश से स्वीट ब्यूटी का ये सैम्पियन कलर ले रही हूँ, और उसको अपनी इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ आइस के पे, और थोड़ा सा हल्का सा काजल की साइड पे फैलाते हुए उसको लगाऊंगी, जिससे कि मुझे वो एक गोल्डन कलर जो मैं देना चाह रही हूँ अपने इस बेस के अंदर वो अच्छी तरीके से निकल के आएगा। बाकी का मैंने फॉल्सेस लगा लिए थे, मैं दिखा नहीं पाई फॉल्सेस के लिए का वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है फॉल्सेस लगाने में, और मैंने पहली बार इस वीडियो में किसी मेरी वीडियो में मैंने फॉल्सेस पहली बार अप्लाई किए हैं, और इनको मैंने यहाँ पे मेबलिन के मस्कारा से इनको सेट कर लिया है।
और ये काफ़ी अच्छे थे। ये बॉन्जोर के लेसेस हैं जो आपको कफ एंड लेसेस में मिल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का कॉम्पैक्ट, जो जिसका सेड नंबर है नेचुरल सेल, और उसको मैं अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी इस बड़ी वाली ब्रश की हेल्प से, जो कि पाउडर ब्रश है, और अच्छी तरीके से एक क्लियर फिनिशिंग दे दूँगी यहाँ पर। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। उसके बाद में मेरी फेवरेट पैलेट है ये कलर सिवाना कलर्स की, और मैं यहाँ पर अपनी जो चीक्स हैं, नोज़ है, उनको थोड़ी सी कॉन्टोर करूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर पिक कर लिया है, और मैंने अपनी नोज़ को और अपने चीक्स को अच्छी तरीके से कॉन्टोर कर लिया है, या ब्रॉन्जिंग कर लिया है। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर नेक्स्ट अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर का कलर, जो है मैंने पिक किया है लाइट पिंक एंड कोरल कलर, और उनको अच्छी तरीके से अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। और ये बहुत अच्छा है, डेफिनेटली जो बिगिनर्स हैं या टीनेजर्स हैं उनके पास में डेफिनेटली ये होना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, और इसकी हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये SFR की फ्लावर हाइलाइटर, और इसमें कितने सारे 5 ऑप्शन मिलते हैं हमको हाइलाइटिंग के लिए। तो मैं इसे पिक कर रही हूँ ये क्रीमी कलर, और ये बहुत अच्छा है पहले ही स्वीप में आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने नोज को भी हाईलाइट कर लिया है अच्छी तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर लग रहा है। हल्का सा मैंने लिप्स पे लगाया है, चिन पे लगाया है, उसके बाद में मैंने थोड़ा सा अपने शोल्डर के आसपास में लगाया है, जैसे कि मैं कोई नेकलेस पहनूँ तो थोड़ा अच्छी तरीके से वो शाइनिंग दे मेरा ये शोल्डर का एरिया। तो मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग लुक दे दिया है। ओके, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेला बॉस्टा की लिक्विड लिपस्टिक, जिसका जो शेड नंबर है वो है 06 वाइल्ड चाइल्ड। इसके ऊपर डेफिनेटली मैं वीडियो बना चुकी हूँ NY लिपस्टिक्स के ऊपर, आप जाकर चेक कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, मेकअप गली विद एंजल केम्पल। और ये एकदम सुपर कलर था मेरे आउटफिट के हिसाब से, और बहुत अच्छा था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मेकअप फिक्सर के लिए आज यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, और ये मिस्ट स्प्रे ऑन फॉर्मूला में है, और ये बहुत अच्छा है, पैराबेन फ्री है, इसके अंदर एलोवेरा है एंड विटामिन ई है। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरा मेकअप लुक क्रिएट हो गया था इसमें एकदम। ओके, तो उसके बाद में मैं अपने यहाँ पर बालों को सेट कर रही हूँ। मैंने अब बीच में से पार्टीशन करके और हल्का सा पीछे से बफिंग करके पिन लगा लिया है, और आप देख सकते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपना मांग टीका पहना है, जो मुझे बहुत सही लग रहा था ज्वेलरी में, तो मैं यहाँ पर इस मांग टीका को सेट कर लूँगी। और इसके बाद में मैंने अपनी फ्रंट से थोड़ी से बाल उठाए हैं, और साइड के पार्टीशन में ले जाते हुए उनको ऊपर से मांग टीके के ऊपर से लिया है, जिसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा लुक मिल गया था इसमें। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको पिन कर लूँगी, और अच्छी तरीके से सेट भी कर लूँगी मेरे बालों को। और उसके बाद में नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपनी जो बालों की मैंने एक लेयर छोड़ी थी, उसको मैं ऐसे 2 भागों में डिवाइड करके ट्विस्ट करते हुए पूरे बैक तक ले जाते हुए और पिनअप कर लूँगी, जिससे कि मुझे एक जो लुक था वो मिल जाएगा। और साइड से भी मैंने इसी तरीके से पिनअप कर लिया है, मतलब मोड़ा नहीं है, मोड़ने से क्या वो थोड़ा सा फेस पतला लग रहा था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये रबर बैंड बांध लिया है, और इस तरीके से आप पोनीटेल कर सकते हो। तो पहला लुक तो मैंने ये क्रिएट किया है अपने हेयर्स के साथ में, सेकंड मैंने यहाँ पर ये मैसी सा बन बना लिया है, और इसमें एसेसरीज को लगा के इसको हल्का सा डेकोरेट कर लिया है, और एकदम परफेक्ट हो गया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपनी ये मांग टिक्की के साथ की ज्वेलरी थी कुंदन की, ये सेम था जो मैंने GT मार्केट से लिया था 99 रुपीज़ में, ये सेट आया था, तो मैंने अच्छी तरीके से इनको वेयर कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक रेड बिंदी लगा ली है। उसके बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा सा शो ऑफ के लिए मैं यहाँ पर ये एक मेरे पास में कुछ पड़ा था मंगलसूत्र या कुछ ऐसा, इसको पहना है। तो उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये है मेरा क्लियर फिनिशिंग लुक, और मैंने यहाँ पे चूड़ियों उसको वियर कर लिया है। आप किसी तरीके से इसको जोड़ तोड़ भी सकते हो, और ये था मेरा फाइनल फिनिशिंग लुक। अगर अच्छा लगे तो गाइस जरूर
सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को. अभी के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. बाय.